शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सवारे आए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शूर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाए तुम सरल नहीं है इसे बेदना संभालो इसका वार के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है किसी की देह। वानर बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी दुनिया है, कौन पुकार रहा है मुझे, कौन चिल्ला रहा है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को
संकटों से मुक्त कराना है। इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सन्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए यह गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन चिल्ला रहा है? बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि। बंद करो चिल्लाना, बंद करो। के? ना जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर बस, संभालिए स्वयं को और जो शक्तियां प्राप्त की है उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। मैं कैसे
करता हूँ तुम्हारा अंत।